नमस्ते फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और आज मैं आपके साथ बहुत ही एक टेस्टी और हेल्दी रेसिपी शेयर करूँगी जिससे आप अपना वजन कम कर सकते हैं और अभी मैं थोड़ा सा काम कर रही थी क्योंकि नहाने से पहले ये काम ज़रूरी था फिर उसके बना खाना पीना तो नहाने के बाद ही होता है तो मैंने सोचा पहले मैं थोड़ा सा गेहूँ साफ़ कर रही थी तो क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है सूखेंगे तो है नहीं तो इसलिए मैंने इनको वैसे ही थोड़ा धूप लगा के और इनको कल धूप लगा दी थी और आज इनको मैं फटक के साफ कर रही हूँ तो ये आप भी सब जानते ही होंगे कि कैसे साफ़ करते हैं वैसे हमारे यहाँ इसको बोलते हैं हाड़ा करना या पीसना करना और हम ऐसे ही गेहूँ ले रखते हैं सीजन में और उनको ऐसे ही साफ करके पिसवाते हैं हम आटा नहीं ले आते हैं लेकिन जो सब जगह पॉसिबल नहीं होता कुछ लोग आटा लेके आते हैं ये जिसको जैसा सूट करता है हमें अच्छा नहीं लगता मार्केट का आटा लाना इसलिए हम घर में ही गेहूँ ले कर और रख लेते हैं और फिर ऐसे पिसवा पिसवा के यूज करते हैं अब ये मेरे गेहूँ साफ़ हो गए हैं सारे अब इनको जो ये बचा है इसको थोड़ा साफ़ करके मैं कबूतरों के लिए डाल दूंगी ऊपर इसे कबूतर चुन लेंगे और जो साफ गेहूँ थे वो मैंने ये भी साफ ही हैं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कम कर वगैरह एक दो हो तो वो इसमें से गेहूँ निकाल लेंगे कबूतर अब मैं इसके बाद नहा धो के सूर्य भगवान को जल देने के लिए आई हूँ छत पे इस काम के बाद देखो धूप भी काफ़ी हो गई है नौ साढ़े नौ का टाइम हो रहा होगा और ये मैं सूर्य भगवान को जल देने के बाद अब बनाऊंगी अपने ना, लिए नाश्ता और आप देखना ये कितना टेस्टी और हेल्दी है आ, मतलब अब जब दाल खाते खाते उग जाते हैं ना कि भाई दाल नहीं खानी वेट लॉस के लिए हम दाल कैसे खाएं हमेशा दाल कैसे खा सकते हैं तो इस तरह आप ये टेस्टी सा नाश्ता बनाएंगे और ये ना मैं पौधों को देख देख के खुश होती रहती हूँ इनको क्योंकि जब खुद केयर करते हैं ना तो इतनी खुशी मिलती है इन्हें देख के तो चलिए अब नाश्ता बना लेते हैं नाश्ते के लिए मैंने ये एक प्याज ली है प्याज है ये बीन्स हैं ये अदरक का टुकड़ा लिया है एक हरी मिर्च शिमला मिर्च काट लिया है एक हरी मिर्च और ये गाजर काट ली है इन सबको मैं एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी और ट्रांसफर करने के बाद आपको दिखाती हूँ कि आगे इसमें हमें क्या मिलाना है तो आप एक बड़ा सा बोल ले लें अब देखो ये देख रहे हैं आप ये बेसन नहीं है ये चने का आटा है मैं हमेशा घर में पिसवा कर रखती हूँ चने का आटा जिससे हम इसी रोटी बनाते हैं तो ये मैं दो से तीन बड़े चम्मच मतलब मुझे अपने ही लिए बनाना है तो बस मैं तीन चम्मच इसमें ये चने का आटा ले लूँगी क्योंकि मुझे दो छोटे छोटे से चिल्ले बनाने हैं इसके चिल्ले के लिए पराठा कह अले और इसमें मैं डाल दूँगी लाल मिर्च धनिया नमक थोड़ा सा नमक मैं और डाल देती हूँ क्योंकि सब्ज़ियाँ हैं मिठास है और एक चम्मच कच्चा जीरा और कच्चा जीरा हमारा वेट लॉस में काफ़ी हेल्प करता है और इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कच्चा जीरा अगर आप ऐसे ही खाते हैं सब्जियों में इस तरह छोंक ना लगाएं आप किसी भी चीज़ का लेकिन जो भी आप सब्ज़ी खाएं इसमें कच्चा जीरा उबाल लें ये आपकी बहुत मदद करता है वेट लॉस करने में और कच्चे जीरे से एक बहुत अच्छी ड्रिंक भी बनती है आगे में वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगी मैं लेती हूँ उसे कभी कभी तो आप देखो ये कैसा बेटर हो गया है हमारा और इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे तो जिससे थोड़ा जो चने का आटा है फूल जाएगा दस से पंद्रह मिनट आप रख दीजिए अगर, अगर आपके पास टाइम है मैंने दस मिनट रख दिया था तो ये सेट हो जाता है अभी देख लेते हैं खोल के देखो इसने जितना पानी पीना था ये अच्छे से सब्जियों ने भी पानी छोड़ दिया है इसमें और ये पहले के मुकाबला थोड़ा पतला हो गया है लेकिन हमें इसमें ना तो आटा डालना है ना ही पानी डालना है ये बिल्कुल सेट क वो है इसकी कंडीशन हमें ऐसा ही चाहिए क्योंकि हम थोड़े मोटे मोटे से ही इससे चिल्ले बन पाएंगे क्योंकि सब्ज़ियाँ अच्छी मोटी कटी हुई हैं इसमें क्योंकि मैंने ग्रेट नहीं की है सब्जियाँ चक्कू से ही काटी हैं और यकीन मानिए ये इतना टेस्टी लगता है इसे बच्चे भी आराम से खा सकते हैं और आप तो खा ही सकते हैं और भाई देखो आपका मैं कह नहीं सकती लेकिन मैं इस तरह की चीज़ें जो हेल्दी होती हैं या डाइट वाली होती हैं मैं बिल्कुल भी इनसे खाने से परेशान नहीं होती कई बार मुझसे कोई पूछता है कि आप दाल खाने से परेशान नहीं होते नहीं और ना ही मैं इस तरह की चीज़ें खाने से रोटी मैं कभी कभी खाती हूँ आपको विश्वास हो या ना हो लेकिन चार पाँच दिन में कभी कुछ बहुत टेस्टी सब्जी बनी है तो खा ली तो इस तरह मैंने तवे पर घी लगा के और ये पराठा फैला दिया है इस पर एक मोटा सी मोटी सी लेयर इसको और इसको अच्छे से चारों तरफ से हम इक्वल कर देंगे चम्मच की मदद से और इसको एक ढक्कन से ढक देंगे जिससे ये अच्छे से स्टीम में ना कुक हो जाए देखो आप देख रहे हैं ये कितना अच्छा सा हो गया है अब इसको हम इसको पलट देंगे और आप आसानी से पलटें क्योंकि इसमें सब्जियां बहुत ज़्यादा है और आटा कम है तो इसको थोड़ा सा आपको आसानी से ही पलटना पड़ेगा देखो ये पलट गया है इस तरह आप इधर से भी इसको अब सेक लें ढक के सेकना चाहें ढक के सेक लें और वैसे सेकना चाहें वैसे सेक लें अब पराठे के साथ खाने के लिए हम एक बना लेते हैं टेस्टी सी रायते की रेसिपी अब मैं ये खीरा ना ऐसे ही छिलके सहित मैंने धो के रख रखे थे छिलके सहित कद्दूकस कर लूँगी इसको अब अब मैं इसमें लूँगी बाउल में तीन से चार चम्मच बड़े दही एक ब्रेकफास्ट हेल्दी ब्रेक ब्रेकफास्ट के लिए एक छोटी कटोरी बहुत है तो मैंने चार चम्मच दही ली है इसमें थोड़ा सा मैं काला नमक डाल रही हूँ इसमें और थोड़ी सी डाल लूँगी काली मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं लाल खाना चाहें लाल भी डाल सकते हैं ठीक है और इसी में अब मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी जो मैंने ये खीरा कसा था और ये बहुत टेस्टी लगता है और आप चाहे तो खाली दही से भी खा सकते हैं कोई इसमें ये नहीं है कि भाई ये तो अपना मुझे खीरे का रायता भी अच्छा लगता है तो मैं इसलिए बना और ये बिल्कुल डाइट वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है आप इसे बना के खाली बड़े से बाउल में बना लिए लंच में भी ले सकते हैं और ये मैंने इसमें भुना हुआ जीरा पीस के रख रखा है आधा चम्मच वो डाल दिया है और ये मेरा टेस्टी सा रायता बन के तैयार है फॉर ब्रेकफास्ट और देख लेते हैं चिल्ले की क्या कंडीशन है ये मैं इसको देखो ये कितना टेस्टी कुरकुरा सा हो गया है और ये जो मेरा सेकंड बैच है मतलब जो बचा था इसमें मैंने आपको बताया ना कि मुझे दो ही चिल्ले बनाने थे तो तीन चम्मच आटे में मेरे दो चिल्ले बन के तैयार हो गए हैं और थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ थी सारी तो मैं इसे भी अच्छे से कुक कर लूंगी और आप इसको बनाइए और इंजॉय करिए और बताइए मुझे कि आपको कैसा लगा और आप कोशिश करिए कि एक दिन दाल एक दिन इस तरह का एक दिन कुछ और हेल्दी चीज़ खाने की आपका वेट बहुत आसानी से कट जाएगा और आप बोर भी नहीं होंगे ऐसा नहीं है कि भाई ये भी इतना ही टेस्टी लगता है जितने पूरी पराठे टेस्टी लगते हैं ये भी तो पराठा ही है बस थोड़ा सा हेल्दी चीज़ों से बना है तो आप इस तरह बनाइए और खाइए और बताइए मुझे कि आपको कैसा लगा और ये बहुत क्रंची सा हो जाता है और इसको अच्छे से आप चारों तरफ घुमाते हुए अच्छे से सेक लें तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है और भाई और तो आपका टेस्ट बताएगा कि आपको कैसा लगा ये मेरे दोनों पराठे तैयार हो गए देखो आ जाइए आप भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए और अब मैं करने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट और बताती हूँ कैसा बना है अभी मैं टेस्ट करके बताऊंगी और ये वाकई में बहुत टेस्टी बना था खाने में और पायल मुझसे पूछती कि मम्मी ये कैसा बना है मैंने पायल को बताया बहुत टेस्टी बना है पूछती थी रायता किस चीज़ क्या है मैंने बताया कि ये रायता खीरे का बना हुआ है लेकिन बच्चों को कई बार ऐसी चीजें पसंद नहीं आती तो पायल बार बार पूछ रही थी तो फिर मैंने उससे कहा कि तुम खा के देखो थोड़ा सा तो फिर मैं पायल को बता रही थी कि इसमें मैंने क्या क्या डाला है बहुत टेस्टी बनना था वो बार बार पूछ रही हैं मम्मी कैसा लग रहा है आपको क्योंकि वो मैं हेल्दी चीज़ें खाती हूँ तो उसको ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा मतलब डाइटिंग करती हूँ चीज़ें नहीं खाती लेकिन ऐसा नहीं है ये बहुत टेस्टी है खीरे का रायता तो ये आप भी एक बार बना के जरूर ट्राई करें ये आपको वेट लॉस करने में बहुत हेल्प करेगा अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ मिलती हूँ फिर अपनी किसी और वीडियो में तब तक के लिए आप इन्जॉय करिए ये नाश्ता और देखो पायल आई है खाने के लिए मैं पायल को दे रही हूँ और पायल खा कर बताएगी कि कैसा बना है अच्छा पायल को भी बहुत पसंद आया है ये तो जी आप देख सकते हैं कि इसको बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ बनाइए और करिए अपना वज़न कम नमस्ते और बाय बाय